पूर्व मंत्री और सपा के दिग्गज नेता आजम खान का नया ठिकाना फिलहाल सीतापुर जिला जेल है। उन्हें रविवार को भारी सुरक्षा बल के साथ रामपुर से सीधा सीतापुर कारागार शिफ्ट किया गया था। इस दौरान उन्हें अपने एनकाउंटर का डर सता रहा था। ऐसे में आजम के चाहने वालों और उनके समर्थक सोच रहे होंगे कि आखिर सीतापुर जेल में आजम खान के साथ पहले दिन क्या हुआ होगा, जेल अधिकारियों ने उनके साथ कैसा सलूक किया होगा, उनकी रात कैसे गुजरी, उन्होंने क्या खाया, इसकी पूरी जानकारी निकलकर सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि पहले दिन सीतापुर जेल में आजम को दो बार खाना दिया गया। दोपहर में भी उन्हें खाना मिला, फिर शाम को भी उन्होंने खाना खाया। पहले दिन दाल रोटी सब्जी खाकर आजम ने सीतापुर जेल की पुरानी जगह में रात बिताई। पहले जब आजम खान सीतापुर जेल में करीब 27 महीने बंद रहे, फिर दूसरी बार 17 महीने बाद फिर से आजम सीतापुर जेल की कालकोठरी में पहुंच गए हैं। आजम को उच्च सुरक्षा बैरक में रखा गया है। इस बैरक में दो अन्य कैदी भी हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि पिछली बार उनकी बैरक में उनके साथ बेटा अब्दुल्ला आजम था और जेल की महिला बैरक में उनकी पत्नी तंजीन फातिमा रहती थी, लेकिन इस बार वो अकेले तन्हा वहाँ पर अपने बुरे दिन गुजार रहे हैं। जेल अधिकारियों की माने तो आजम खान ने एक इतिहास की बुक पढ़ने के लिए मांगी थी, हालांकि बाद में उससे भी इनकार कर दिया। आजम खान के परिवार के खिलाफ दो जन प्रमाण पत्र का मामला भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था। इसमें आरोप था कि आजम खान के बेटे ने अलग अलग जन्मतिथि से दो जन प्रमाण पत्र बनवाए हैं। इसी मुकदमे में आजम खान के अलावा उनके बेटे और पत्नी पूर्व सांसद डॉक्टर तंजीन फातिमा भी नामजद थी, जिसका फैसला 18 अक्टूबर को रामपुर की अदालत ने सुनाया था और तीनों को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा का ऐलान किया था। बता दें कि आजम की पत्नी रामपुर और बेटा हरदोई जेल में बंद है।